जैसे ही सीएनजी में आई, इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इसकी बुकिंग हाथों हाथ हो रही है। कि आप यहाँ पे देखिए, नीचे का जो फ्रेम है फ्लैट बॉटम आपको मिलता है, स्टोरेज मिल जाता है। स्टोरेज सेंटर कंसोल का इतना इंप्रेसिव नहीं है, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है प्राइस वर्सेस वर्थ कितनी है इस कार की। फिर कंट्रोल किया है बट बहुत लाइटर, बहुत ही मिनिमम आपको वाइब्रेशन फील होगी, ये पक्का एहसास होने वाला है। अगर यहाँ पे स्विच पे आपको ये विजिबल नहीं होगा कि ये सीएनजी है। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, अभी तक मैंने टियागो के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया, और अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट को मैं आई बटन में दे देता हूँ। आज बात करने वाले हैं टाटा टिगोर की। तो यहाँ पे टाटा टिगोर जो इतना सेल नहीं होती थी जब तक ये पेट्रोल वेरिएंट में थी, और जैसे ही सीएनजी में आई, इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इसकी बुकिंग हाथों हाथ हो रही है, और आज की डेट में इसकी 2 से 3 महीने तक की बुकिंग हो रही है। तो क्या ऐसा चेंज हो रहा है इस कार के अंदर, क्या खास है इस कार के अंदर, डिज़ाइन कैसा है, इंटीरियर कैसा है, इंजन कैसा है, चलाने में कैसी है, और क्यों खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए, वो सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इस कार का जो डिज़ाइन है, आपको फ्रंट से ऐसा लगेगा जैसे कि ये टाटा टियागो हो, बट जब आप पीछे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी हाँ, ये एक प्रीमियम कार है, सेडान कार है, और जो इसका पीछे का स्लोप है और स्पॉइलर दिया गया है, वो इसकी लुक को बहुत अच्छा कर देता है, इसकी लुक को एनहांस करता है। और जब साइड प्रोफाइल आप देखते हैं तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी जो है कार की, वो एकदम इम्प्रेसिव दिखती है, पसंद आती है, अपीलिंग है। और कोई भी कस्टमर है इसके डिज़ाइन को ये नहीं कह सकता कि उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से स्लोपी डिज़ाइन बनाया गया है, स्पोर्टी लुक के साथ साथ आपको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में आपको XZ वेरिएंट में ही फॉग लैम्प मिल जाते हैं, DRLs आपको नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिलती है इस कार के अंदर। मैं मेजर फीचर्स बता रहा हूँ, डिटेल कंपैरिजन आपको अगले किसी वीडियो में दूंगा, आज मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि आखिर क्यों टाटा टिगोर इतनी फेमस हो रही है सीएनजी वेरिएंट में। तो यहाँ पे आप देखिए, ओवरऑल एक्सटीरियर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अपीलिंग नहीं है। इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं, लाइक ओरा की बात कर लेते हैं, तो ओरा का जो प्रोफाइल है, आगे और पीछे का प्रोफाइल बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नज़र नहीं आता जब आप साइड प्रोफाइल से देखते हो, और जब आप टियागो को देखते हो आपको वो अपीलिंग लगता है और अच्छा दिखता है। इसके अलावा बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर बूट स्पेस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया गया है, क्योंकि आप यहां पे देखिए, नीचे का जो फ्रेम है फ्लैट बॉटम आपको मिलता है, तो आप नीचे भी बैग रख सकते हैं इसके बूट स्पेस में, और बाहर की तरफ जो स्पेस मिलता है वो तो है ही। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बात करूं तो मुझे एज कंपेयर टू टियागो का जो बूट स्पेस है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे टिगोर का लगा अपनी सेगमेंट में। मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उस सेगमेंट के हिसाब से इतना प्रैक्टिकल नहीं था टियागो का, बट टिगोर का जो आपको मिलता है बूट स्पेस, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे अंदर इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर के अंदर आपको जो फीचर मिलते हैं इस प्राइस रेंज में, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि 7.5 लाख रुपये से जो कार स्टार्ट होती हैं, उनका इंटीरियर आपको कैसा मिलता है। आप यहाँ पर जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक प्रीमियमनेस फील होगी, लग्जरी का एहसास होगा आपको, जब आप देखेंगे, स्टीयरिंग को पकड़ेंगे और जब आपको वो गेट की थर्ड साउंड सुनाई देगी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी सेफ कार है ये। 4-स्टार रेटिंग ये सेफ्टी में ला चुकी है। खैर, सेफ्टी की बाद में बात करेंगे, अभी इंटीरियर पे ही रहते हैं। इंटीरियर में आपको खुद एहसास होगा कि कूलिंग ग्लव बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर सेंटर कंसोल की बात करूं तो ठीक ठाक स्टोरेज मिल जाता है। स्टोरेज सेंटर कंसोल का इतना इंप्रेसिव नहीं है, मैं मानता हूं, बट जिस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है, उस प्राइस रेंज के हिसाब से आप फीचर्स देखिए। आपको कूलिंग ग्लव बॉक्स मिलता है, आपको स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिलते हैं, पावर विंडोज मिलते हैं आपको, आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और डैशबोर्ड की लुक देखिए, आपको डैशबोर्ड बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखता है। मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में मुझे सबसे ज़्यादा मटेरियल क्वालिटी जो अच्छी लगी, वो मुझे टाटा टिगोर की लगी, जो मैंने अदर भी देखे हैं प्रोडक्ट। आप गियर नॉब को पकड़ते हैं, आपको एक रबर फिनिश के साथ इसका टच दिया गया है। इसके अलावा इसकी लुक को देखिए,
कितना अच्छा दिखता है ये। साइड की डोर में देखिए स्टोरेज, सफिशिएंट स्टोरेज आपको मिल जाता है। इसके अलावा बैक सीट पे आपको आर्म रेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं विद कप होल्डर। सो यहाँ पे ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको इस कार के अंदर। एक इम्प्रेसिव सा आपको एक लग्जरी फीलिंग का एहसास देगा इस प्राइस रेंज में। अब आप कंपेरिजन करने लगेंगे अगर सियाज से या इससे अपर सेगमेंट की जो 13, 14, 15, 17 लाख तक की कार आती हैं, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है प्राइस वर्सेस वर्थ कितनी है इस कार की। तो यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर को देखते हो, बिल्कुल प्राइस वर्सेस वर्थ है इस कार की। इसके अलावा बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन डेफिनेटली इतना रिफाइंड नहीं है जो इसके कॉम्पिटिटर्स का है। जो 4 सिलेंडर इंजन वो प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हुंडई ऑरा का है, इसमें 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है 1200 cc का। पावर के मामले में बात करी जाए तो अच्छी खासी पावर वो प्रोड्यूस करता है, बट हाँ थोड़ी सी आपको कैबिन नॉइज़ तो झेलनी पड़ेगी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा म्यूज़िक इसका बढ़ा देंगे। वाइब्रेशन पे काफ़ी कंट्रोल किया है, बट बहुत लाइटर, बहुत ही मिनिमम आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो इतना अगर आप इस प्राइस रेंज में और CNG भी आपको चाहिए, एक किफ़ायती कार चाहिए, तो आपको इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट यहाँ पे इंजन में इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना कि कहा जाता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा है, इतनी कोई वाइब्रेशन नहीं फील होगी आपको अंदर बैठने के बाद। इसके बाद आप जब इसको ड्राइविंग करते हुए चलाएंगे, आप CNG में जब इसको चलाएंगे, तो आपको ये पक्का एहसास होने वाला है। अगर यहाँ पे स्विच पे आपको ये विजिबल नहीं होगा कि ये CNG है, तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि आप पेट्रोल कार चला रहे हैं। सेकंड गियर में जब आप उठाते हैं, कार इजीली उड़ जाती है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल कार है। टॉर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप इसको किसी भी ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाएंगे तो आपको फील हो जाएगा टॉर्क भी प्रॉपर सफिशिएंट है। तो मैं ये कहूँगा 5 सीटिंग कार है, एक फैमिली कार है, 5 पर्सन के लिए एक अच्छा पैकेज आपको मिलता है इंटीरियर एक्सटीरियर को लेके। इंजन भी अच्छा है, ड्राइविंग कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाता है कार के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं कि किन लोगों को ये खरीदनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं तो आपके लिए परफेक्ट कार है, अगर आप बाहर जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, हाईवे पे चलाते हैं तो भी परफेक्ट है, क्योंकि ये सेफ कार है और आपको सर्विस भी इम्प्रूवमेंट मिल रही है आज की डेट में टाटा के अंदर। ऐसा नहीं है कि पुराने की तरह आपको वो शिकायतें मिलेंगी, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। जितना मेरी बात हुई है लोगों से जो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है। बट मैं ये कहूँगा कि ठीक है, इसका जो कॉम्पिटिटर है हुंडई उस लेवल का नहीं हो मे बी, बट यहाँ पे इम्प्रूव्ड है। इसके अलावा बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी आपको 4-स्टार रेटेड कार मिलती है। आप हाईवे पे जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, तो आपको एक सेफ्टी का एहसास रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे जब इस कार के अंदर बैठ जाएंगे। नहीं तो अनसेफ कार है, उन कार के अंदर बैठ के आपको ये टेंशन रहती है कि यार सेफ नहीं है, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो कई बार आप अपने ट्रिप्स को भी अवॉइड करते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स को आप अवॉइड करते हैं फैमिली के साथ। बट यहाँ पे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बूट स्पेस आपको ठीक ठाक मिल रहा है, अच्छा खासा ही मिल रहा है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं, सेफ कार है, टेंशन फ्री रहेंगे इसमें ड्राइव करते हुए। सो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी इंप्रेस किया इस कार ने, और CNG में आने के बाद इसको लोगों ने हाथों हाथ पसंद किया और काफ़ी बुकिंग्स हो रही हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन और ड्राइव को लेके काफ़ी अच्छा रहा, और हो सकता है कि मैं इस कार को बुक कराऊँ और ख़रीदूँ। सो गाइज, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए टाटा टियागो टाटा टियोर के सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। सो गाइज, इसी के साथ विदा लूंगा, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें Speed 16 चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।